भैया ये सींग का कितना लेते हैं? कौन सा साहिवाल है? कौन सा वाला सींग है? Hey guys, welcome back to my vlog. तो फिलहाल तो अभी शाम हो रहा है, मैं अभी व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ, थोड़ा बिजी था. और आज मेरे छोटे नन्हे मुन्ने भाई लोग से मिलाता हूँ. ये लोग हमारे सब्सक्राइबर भी हैं, पर यहाँ नहीं रहते हैं, लोग बाहर रहते हैं. इसके पिताजी जो हैं, ये पुलिस वाले हैं, पुलिस वाले. तू कहाँ छुपा रहा है रे मुंह को? दिखा 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 दिखा, चेहरा दिखाओ, चेहरा दिखाओ. देखिए तुम लोग देखते हो मेरा वीडियो सही में? माइकी, तुम्हारा नाम क्या है बता दो. बिट्टू लैला. क्या बोला? बिट्टू लैला. तुम्हारा क्या नाम है? उत्कर्ष. तुम्हारा क्या नाम है? अंशु. अंशु यादव. यादव. चलो चलो, तो इसको क्या खरीदा है तू? ये क्या है? ये क्या है? ये हेलीकॉप्टर. बैठने बनता है कि नहीं? बनता है. मेरे को बैठाना तो खोल दरवाजा, खोल बैठेंगे. इसके ऊपर बैठना है कि अंदर बैठना है? अच्छा, इधर पीछे साइड. गाइस, आज मेला में शुरू दिन में जितना भीड़ नहीं था उससे कई ज़्यादा है. अभी तो शाम हो रहा है, फिर भी देखिए उधर पार्किंग में तो पूरा खचाखच भीड़ है ही. प्लस देखिए यहाँ पे रोड साइड में भी लोग लगा दिए हैं अपना गाड़ी. अभी थोड़ा सा सुनसान हुआ है. बाकी गए थे आप उधर? हाँ, नहीं गए. जाएंगे रात को, भीड़ कम होने के बाद. हमारे जैसे है, भीड़ कम होने के बाद हम लोग जाते हैं. ट्रैफिक में वैसे भी ब्लॉग बनाने से कोई मतलब नहीं है, साउंड तो आता नहीं है. तो चलिए शाम शाम में देखते हैं, समय जैसे ही मिलेगा. बाकी आज ट्रैक्टर भर भर के, पिकअप भर भर के लोग आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ है. देखिए ले जाने का रास्ता है, और इधर से देखिए अभी भी कैसे लोग आ ही रहे हैं, जबकि शाम का समय है, घर में जाने का समय, घर जाने का समय है. फिर भी देखिए अभी भी इतना मतलब लोगों का आवागमन बढ़ गया है बहुत ज़्यादा. और कल तो सोमवार है, कल तो उम्मीद है और ज़्यादा बढ़ने लगा. सबसे ज़्यादा बस वाले लोग लाल ला के छोड़ रहे थे, उसकी वजह से ज़्यादा ट्रैफिक लग रहा है. बोलिए देखिए, इसमें एक भी सीट ऐसा खाली नहीं होगा, मेरे ख्याल से खड़े होने का भी जगह नहीं होगा. तो गाइस चले, में मेला आ गया, रात के 8 बज गए. फिलहाल हम लोग थोड़ा सा मंगल सूत्र देख रहे हैं. देख ले मंगल सूत्र की किसके लिए? कभी तो शादी करेगा ना. अरे अभी बहुत डिजाइन देख लिया रहो, बनवा लेंगे बाद में. देखो ना ये वाला अच्छा लग रहा है रे, 22 कैरेट का. अच्छा है डिजाइन वैसे. चल कुछ ले लेते हैं. ले क्या लेगा? टोपी ले लेते हैं क्या? चलो. लेकिन यहाँ से कहाँ, पत्थर गाँव से ले लेंगे. अरे ये सब सस्ता मिलेगा तेरे को, सस्ता सुंदर टिकाऊ. भैया टोपी दिखा दीजिए ना. टोपी दिखा. बस इतना ही बचा है क्या? नाम वाम भी लिखते हैं कि? ले तो भाई को, इसको. हाँ ले, ये वाला अच्छा लगेगा रे. कितना ले रहे हैं? 50 रुपये. ना भैया 100. तो कुछ डिस्काउंट? 10 कम हो गया. जीएसटी को भी छोड़ दो. नहीं छोड़ोगे? नहीं छोड़ेंगे. देख दिखा. नहीं दिख रहा है. ठीक दिखा. कहाँ? नहीं दिख रहा है. अच्छा एक बार दिखा दिखा दिखा. एक नंबर गुड्डू. नहीं दिखा. और दूसरा दिखाओ. नहीं नहीं दूसरा नहीं. ले लो ले लो. ए वाला दिखाओ. ए वाला, ए वाला लगा के देखना. अरे लगा के तो देखो यार एक बार, क्या है पहन के देखो, अगर सूट करेगा तो ले लेंगे. निकालो तो भैया इसको. लगाने का पैसा खर्च लगता है. हाँ लगा के देखो छोटा भाई, जो पसंद आएगा उसी को लेंगे. कैसे? लगा लो. हेलो. चलो इसके साइज का है ना यार, इसके में भी छोटा हो गया. 0 साइज का बच्चा के लिए लगा. ठीक है भैया. वो वाला कहाँ मिलेगा? वो वाला, वो वाला, वो वाला भैया. और क्या लग रहा है भाई? सिग्मा मैन है क्या तू? सिग्मा रूल. चलो बढ़ा 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 बढ़ा. दुकान उकान लगाया रहा कि बढ़िया चलिस तो ठीक. कल ले आओ, भीड़ हो ही सोमवार है. बहुत लंबा चौड़ा परिसर में फैला हुआ है, एक और गली मिल गया हमें. यहाँ से देखते हैं, यहाँ तो कप वप की दुकान है. कुछ देख ले रवीन, दे दे रहे माफिया वाला रुमाल. नहीं ये सब अंधेरे में अच्छा सूट करता. यहाँ बांध देता कॉलर में. दादा आ रहा है, दादा है. यहाँ से निकलते हैं. चलो इधर से देखते हैं. सबसे ज्यादा इधर तो मनिहारी ही है. ये देख कड़ा बड़ा है, पूरा बंद हो जाता है यार. अन्याय है, घोर अन्याय. एक तो टाइम टेबल सेट नहीं करते क्या? कहाँ बता दिए.
सब चीज मिल जाता है नाते पर मेला में। पहले इतना सारा सामान नहीं आता होगा मेरे ख्याल से। क्या कर रहे हैं, बर्फ जम गया लग रहा है, पूरा खत्म है। चल ना बैठेंगे ऊपर में, ऐसे ही तो बैठ जाते हैं कम से कम। यार तो ये भी खत्म, ये वाले भैया बच्चे इसमें भी मच्छर लोग खा रहे हैं, इसका पूरा ढाक दिए ना। कौन सा वाला सींग है रविंद, पकड़ ना, पहन के देखना एक बार। आप कितना में लिए सींग को? 50। और ये मुखौटा? 50। दिखाइए भैया मेरे को, पहन ना एक बार। अरे मेरे और मुखौटा दिखा, मैं पहनता हूँ, पहना मेरे को। हाँ इसका सींग है बोलते हैं, वही वाला तो नहीं हो गया? हाँ। पेट में दांत है वाला, नहीं सींग नहीं, मेरे को नहीं चाहिए। रुक जा, लाइट को बुझा रहा हूँ। इधर मुड़ना मुड़ना। वाह फोटा कितना, ये होली में अच्छा काम देता ना। सेल लगा है लग रहा है, देख के आते हैं। ऐसा क्या डील है भैया, पूछो तो। कैसे दे रहे हैं भैया? भैया 100 रुपए का टी शर्ट, हर एक माल, हर एक माल। अरे नहीं नहीं, देखो ना यार 100 रुपए में है। अरे ब्लॉग कर रखा है। हाँ ब्लॉग है भैया। अरे बिल्कुल बिल्कुल। क्या लिखा है दिखा, क्या है पढ़ तो, अपना टाइम आएगा। अपना नहीं है वो सब पहले चलता है। बोर्ड भी ट्रस्ट, ओ अपना टाइम आएगा। खत्म चीज है भैया, ले रहे हैं आप लोग? ले लिए? नहीं ले लिए भैया, हम ले रहे हैं बस धीरे धीरे। चलिए एक बार हम लोग गए थे वहाँ तमता पहाड़। हाँ अरे उसका बेचने का तरीका इतना जबरदस्त है ना, आओ पापा की परियां आओ बोलता है। हाँ मैं भी सुना था तगड़ा एकदम। चले ये वाला गली में घुसाओ यार, इधर नहीं गया हूँ मैं, मतलब जब दुकान खुला था तब। ये तो पुलिस चौकी है अपना, बाकी यहाँ आइसक्रीम वाले भैया लोग सब बेच के अभी तान मार के सोएंगे, घोड़ा बेच के बोलिए। इधर तो वही सब है, बर्तन भाड़ा वगैरह कुछ। लो लो फूल है क्या? कानफूल दिखाओ। ये देख कानफूल, ये कौन सा है, संदूक टाइप का डिजाइन है। कितने का है भैया ये? ये संदूक वाला 150 का है। 150? अच्छा गजब गजब। नहीं इसको कहाँ से लाते हैं वैसे? वैसे आप लोग जयपुर से लेकर आते हैं? जबरदस्त, बहुत सारे डिजाइन। रविंद देख लो एक आध पीस लोगे है? संदूक वाला मेरे को अच्छा लगा। हाँ ठीक है ठीक है, लेगा नहीं प्रचार कर दो। अरे कान भी तो छेदवाया है यार तू, पहन लेना। तो पहना, आप भी तो छेदवाए हो। छेदवाया हूँ लेकिन मैं एकदम वो कर दिया ना, क्या फिक्स कर दिया। दो ठो ले लेते हैं रात में, दो रुपए ये आतंकवादी है बोलेंगे फिर हम। चलो विनय यादव ब्लॉग्स। अच्छा रुको तो रविंद, पूछते हैं यहाँ क्या क्या है, कैसा कैसा। बंद कर दिए भैया आप लोग का दुकान? क्या दुकान खोले थे बोल रहा हूँ? बर्तन वाला। अच्छा चला ना? बिल्कुल भैया बढ़िया चला ना। वैसे कल इतना टाइम बंद नहीं हुआ था टाइप का लगता है। नहीं पहले बंद कर दिया, कल जल्दी बंद। कहाँ पे खोले थे दुकान? नहीं तो खोलते थे। और सोना होना ही होता है? नहीं होता है। दादी है, दादी है तो पूरा बर्तन भाड़ा हम खाना बना लेंगे, हम लोग के लिए भी बना दीजिए। बहुत दूर से आए हैं हम लोग, जसपुर से। जसपुर से? जसपुर कौन सा एरिया भैया? जसपुर जिला है, जिला पड़ता है आपका गांव का कोई तो नाम? हम लोग जसपुर के ही हैं खास। यही से जसपुर है इधर। हाँ पूरा जसपुर जिला में आता है, बनवा लें यहीं की। दादा लोग को खाने दीजिए, दो ही जन तो है, नहीं बना देंगे वैसे। अच्छा भैया आपका चैनल कौन सा है? विनय यादव ब्लॉग्स। तो गाइस चलिए हम लोग थोड़ा कुछ कुछ खाने के लिए रुके हैं, हमारे भैया। नमस्ते भैया, है कुछ कुछ खाने के लिए की? अरे पूरा आइटम लगा दिए हैं, देखिए मंदिर जहाँ पे एंट्री करते हैं उसके जस्ट सामने है। देखिए गरम है भैया, खिलाइए भैया समोसा। का का बनाता है दादी? अभी खाना बनाता है कि का साग? अच्छा तुमन भी यहाँ का बनाता है? तो इधर ही चल दिया, मैं खाता हूँ, बहुत भूख लगा है, आ गया। चलिए रविंद का नाम लिया और हाजिर, जल्दी आया यार, मेरे को भूख लग रहा है, मैं नहीं सकूंगा इतना सहने। वाह टेस्ट बहुत जबरदस्त लगता है। बोला बोला चौक में भी इनका दुकान है, वहाँ तो 12 महीना मिलेगा, बाकी जैसे मेला उला में अक्सर खोलते हैं हर साल। बना दीजिए ना, बहुत टेस्टी टेस्टी बनाइएगा एकदम, लग तो रहा है दिखने में बहुत टेस्ट लगेगा, बहुत अरन बरन है ना भैया।
जय महाकाल, हर हर महाकाल। बनाइए भैया। अच्छा टमाटर, ये तो मेरा फेवरेट है भैया। क्या क्या डालते हैं यहाँ देखा जाए? क्या क्या डालते हैं भैया इसमें? हाँ सब अच्छे डालते हैं सर। मिक्सचर कितने आइटम डालते हैं? दो। और अभी तो जो मसाला रहता है वही बोलिए। चटनी है क्या? खट्टा वाला है क्या? खट्टा मीठा दोनों। अच्छा आप लोग कहाँ से हैं वैसे? यूपी से हम लोग। हाँ यूपी में जबरदस्त बनाते हैं भैया, मैं बताता हूँ। जबरदस्त जलवा वाला आइटम। अभी मैं गया था ना यूपी ना भैया, सुनो ना, अभी मैं का नाम है भेलपुरी। अभी मैं गया था यूपी, वहाँ गुपचुप भी 7-8 प्रकार का पानी से बनाता है। हाँ, है ना भैया? पूरा लिखा रहता है उसमें। हाँ, लाइन से मिला था हम लोग को यार, अहमदाबाद में, उज्जैन में, उज्जैन में मिला था हम लोग। और यूपी में जैसा पूरा भर को कम से कम 25 फ्लेवर का रखा था मटका। हाँ अलग अलग। और जैसे अपन साइड हसिया में नहीं भूलते हैं, क्या बोलते हैं, मुर्रा उर्रा, मुर्रा उर्रा, वहाँ आलू को करते हैं। मैं आलू बस ऐसे ही घूमता है। लीजिए भैया, और एक जगह रख दीजिए उनके लिए। आप लोग ले लिए थे, बनाओ यार दो जगह इनके लिए करके। बताइए कैसे लग रहा है? तो कल फिर से खाने आएंगे ना? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कल से आएंगे। ठीक है, टेस्टी है। थोड़ा वो वाला मिक्सर और दे यार, डाल देना भैया के, डाल दे मिक्सर इधर, मेरे में भी डालो यार। और डालो फलना तो इसका हमका ढेकी, वो सेव भी थोड़ा डाल दो मेरे में, हल्का सेव। नवीन उसको दीजिए एक जगह। ठीक है टेस्ट। नवीन मुँह में पानी आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, गुपचुप नहीं है या नहीं तो आ जाता। गरम है क्या भैया जलेबी? जलेबी गरम नहीं है यार, लेकिन अभी कर बना। हाँ दे दीजिए इसको। कितना? 50 रुपए का डाल दीजिए। तू कहाँ से लिया था? मैं कहीं तो लिया था। टेस्टी है? टेस्टी है। हाँ चलिए, अभी से तो खा के जा रही। खुरमा बड़ बिकेल की हो? खुरमा बेत खंड होता है। किसे किलो देता है? 140 एक परात रही पूरा खत्म। अब कायल कतक बेचा? 60-70 किलो रही। और मुश्किल से 10-15 किलो, 5-6 किलो। मैंने इतना डिमांड नहीं है हमारे गांव के हाथ में। खुरमा रथ आओ मेला में ना, जाने दो ना यार, जाने नहीं दोगे? जाने दे रहा साहब, गड़िया भी किस दो। हमारे बहुत ही दिलदार वाले भैया हैं। तू खाया है ना? खाया हूं ना। सबसे ज्यादा रवीन मेरे को ये वाला लगता है, देखना बहुत लंबा चौड़ा बना। एक ही आदमी का तो होगा ना ये? नहीं अलग अलग का है, देखो ना दो ही दूसरे जन, मतलब एक ही आदमी खोला होगा मेरे को लगता है। इसमें आदमी लगा दिए होंगे, कैसे बता, तगड़ा सजाया है। लेकिन जो भी बोलो ना। कितना में लिए भैया फिलफिली? फ्री में। चलो वैसे चले, घर पहुंच गए। ब्रोनी वेट कर रहा था मेरा ना। ब्रोनी बैठो तो, पहले एक एक ठो दे रहा हूँ तेरे को, रुकने इट, आराम से खा ले, खा। इसलिए मैं आ गया सीधे घर, और आज खुरमा का नाम लिए, और खुरमा हमारे घर में भी है। देखिए झरना लाई होगी शायद इसको। वैसे हमारे यहाँ मेला 14 तारीख तक है, तो आप लोग अभी तक नहीं आए हैं तो जरूर आइएगा। आज तो शुरू दिन से भी ज्यादा भीड़ था ऐसा बताया जा रहा है, मैं तो जा नहीं पाता हूँ, बाकी ट्रैफिक से लग रहा था बोले। बाकी कल तो सोमवार है, हमारे महाकाल जी का दिन है, तो कल तो और भीड़ होगा। और बुधवार को बाजार होता है, गुरुवार तक रहेगा बोलिए। तो आप लोग का हम इंतज़ार कर रहे हैं, आप लोग ज़रूर से आइएगा हमारे किलकिलेश्वर धाम महाकाल जी का आशीर्वाद लेने। तो चलिए फिलहाल आज के इस ब्लॉग को मिनी ब्लॉग के तौर पर रखते हैं। उम्मीद है आपको पसंद जरूर आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। बाय।